हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी मैक्रोनी, जो लगभग सभी की फेवरेट होती है। बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मैक्रोनी बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मैक्रोनी, जो लगभग 150 ग्राम है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और सबसे पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने पैन को गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 2 कप पानी। जितनी हमने मैक्रोनी ली है उसका डबल हमें इसमें पानी डालना है। पानी को हम बॉईल होने देते हैं। ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक 1/4 टीस्पून और साथ में मिलाऊंगी 1 टीस्पून ऑयल, और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये मैक्रोनी। इसमें अच्छे से बॉईल आने तक इसको हम मिलाएंगे ताकि इसके ये तले से चिपके नहीं। ये देखिए मैक्रोनी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे लगभग 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसको गलाना है। जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल हम कढ़ाई में डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी ये कुछ लहसुन, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। लहसुन को हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए भुनना है। और अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और इसको बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी हम थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, ये मैंने 1 शिमला मिर्च ली है और उसको बारीक बारीक कट किया है। इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भुनेंगे। इसको हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए उतना ही हम इसको पकाएंगे। प्याज और शिमला मिर्ची थोड़े थोड़े भुन गए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसको कद्दूकस किया है। आप चाहें तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी नमक। नमक याद रखिए हम पहले भी डाल चुके हैं जब हमने मैक्रोनी को बॉईल किया है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से भुनने देंगे। जब तक ये मसाले सभी भुन रहे हैं हम मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैक्रोनी अच्छे से कुक हो गई है। इसको हम एक चम्मच की सहायता से इस तरह से कट करके देख लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से कट हो रही है, मतलब ये पूरी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये मैक्रोनी को मैंने गैस से उतार लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी लगभग 1 कप जितना ठंडा पानी। ये पानी हमें बिल्कुल ठंडा लेना है। इसको इस तरह से लगातार मिलाते हुए अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और अब इस तरह का मैंने एक बर्तन लिया है नीचे, उसमें मैं रखूंगी इस तरह की छन्नी, और ये जो मैक्रोनी हमने बॉईल की थी उसको इसमें छान लेंगे। इसका पानी पूरी तरह से हम छनने देंगे। इसको मैं इसी छन्नी पर तब तक रहने दूंगी जब तक इसमें से पूरी तरह पानी ना निकल जाए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला पूरी तरह से भुन गया है, इसने अच्छे से ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी लगभग 2 टीस्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में इसमें मैं मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है।
अब इसमें लास्ट में मैं मिलाऊंगी चीज, ये मैंने मोर्जिला चीज ली है, आप चाहें तो कोई सी भी चीज यूज कर सकते हैं। ये लगभग 2 टीस्पून मैंने मिलाई है। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं मिला दूंगी मैक्रोनी जो हमने बॉईल करी थी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। चीज डालने से ये बहुत ही चीजी बनता है और बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूंगी। ये मैक्रोनी को मैंने बॉल में निकाल लिया है। ये देखिए, ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। ये रेसिपी हमारी बनकर कंप्लीट हुई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।